अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और मैं लेक्चर नंबर 8 लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का, जो कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, उसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, डेफिनेशंस वगैरह। तो अभी जो है ना, अभी इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। जो एक्सपोनेंट यानी कि जो हम मैंने पावर समझाई थी, वो पावर की डेफिनेशन बताई थी, उसके लॉज लगते हैं कुछ, तो वो लॉज हम आज पढ़ेंगे, ताकि जो है ना आगे आने वाले क्वेश्चंस हमारे लिए आसान हो जाएं। ये जो पहली और दूसरी वीडियो है ना, ये आपकी आसानी के लिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में एग्जाम जो होता है, उसके हवाले से आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन, पहला जो लॉ होता है, अगर उसको देखें तो बेस अगर सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उसका जो आंसर आता है वो हम उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। पावर्स को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इसमें अगर आप बेस देखें ए है और पावर्स क्या है, यहां पर डिफरेंट है एम है और यहां पर पावर क्या है एन है, तो हम जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेस तो वही रहेगी लेकिन पावर्स क्या हो जाएंगी, एड। तो इनकी एग्जाम्पल मैं थोड़ी सी बता देता हूं। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, ए की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 3, तो ये एग्जाम्पल है। अब मैं इस रूल के हिसाब से इसको मैं सोल्व करूंगा, तो ये कैसे सोल्व होगा, सॉल्यूशन कि भाई यहां पर आपको बेस कौन कौन सी सेम नजर आ रही है, एक ए और एक ये ए, तो इनकी पावर क्या है। मैं इसका जो आंसर है, इस रूल के हिसाब से बेस सेम है तो आपने एक बार ए लिख दिया, और जो पावर इसकी है 5 तो मैंने एक बार 5 लिखा, और इसकी जो पावर है 7, इन दोनों पावर्स को मैंने करवा दिया मल्टीप्लाई, ये एक एक बेस हो गई। अब दूसरी बेस आपको नजर आ रही होगी, दूसरी वैल्यू आपको नजर आ रही होगी जो कि बी है, ठीक है, तो मैं उसको भी मल्टीप्लाई, क्योंकि आपका ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, मल्टीप्लीकेशन का, तो आपने बी लिखा और उनकी जो पावर है, यानी कि एक पावर है -2 और एक पावर है 3, तो मैंने प्लस करवा दी, सही है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर यह आएगा कि ए की पावर 5 + 7 = 12 मल्टीप्लाई, बी की पावर क्या है -2, अब माइनस साइन डिफरेंट है तो माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस हुए, 3 out of 2 is 1, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन है प्लस, तो हमने वैल्यू के साथ भी प्लस आंसर लिया। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, हमने दोनों को मिला के लिखना है, अलजेब्रा का रूल क्या है कि आपने दोनों वेरिएबल्स को मिला के लिख देना है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन क्या करता है, कंबाइन कर देता है दोनों वेरिएबल्स को, तो आपने दोनों वेरिएबल्स को कंबाइन करके दे दिया। तो ये पावर रूल लगता है, अगर आपकी बेस सेम हो और पावर्स आपकी डिफरेंट हो, पावर्स आप प्लस कर दें और बेस वही रहेगी, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 था। तो रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 ये है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट वैल्यूज हैं और होल पावर आपकी कोई एन है या एम है, कोई भी पावर है फर्ज करते हैं, तो अब जो बेस है वो आपने लिख दी, लेकिन होल पावर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पे लगेंगी, ये तो बिल्कुल ईजी है, आपकी होल पावर है तो दोनों पे पावर होगी, तो आपका दोनों पे, दोनों एलिमेंट्स पे यानी कि दोनों बेस पे आपने पावर लगा दी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या है कि अगर ये देखें 3 × y और इसकी पावर मैं कर देता हूं होल पावर है 5, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई को डॉट से भी, प्रोडक्ट को डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई की पावर क्या है 5, दोनों पे हमने होल पावर 5 लगा दी। अब 3 की पावर 5 का जो आंसर आएगा वो आपने लिखना है, और वेरिएबल y की पावर 5 तो ऐसे की ऐसे ही लिखी रहेगी, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 क्या है, लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। अब इस पावर, इस रूल का नाम क्या है, अगर फर्ज करो बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो वैल्यूज, दोनों बेस डिवाइड हो रही है और सब कुछ ना कुछ पावर है, तो आपका आंसर क्या आएगा, बेस तो वही रहेगी लेकिन आपकी जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी, आपकी जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी। अब देखें, अब इसका आंसर क्या आएगा, अगर फर्ज करें इसकी एग्जांपल देख लें, तो एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल 6 + 3x की पावर है 2 और 5y + 1 की पावर है 3, और यहां पर 6 + 3x की पावर 5 और 5y + 1 की पावर है 2, तो इसका जो आंसर आएगा, आप देखें यहां पर आपको दो चीजें सेम नजर आ रही होंगी, दो ब्रैकेट सेम नजर आ रही होंगी, 6 + 3x, तो हम क्या करेंगे, 6 + 3x लिखा, 6 + 3x, और जो पावर्स है 2, जो ऊपर वाली पावर है, नॉमिनेटर की जो पावर है वो 2 है और जो डिनोमिनेटर की पावर है 5 है, तो हम इसका आंसर अब मल्टीप्लाई, जो अगली ब्रैकेट है वो 5y
प्लस वन, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसकी पावर और जो नीचे वाली पावर है, जो नीचे वाली वैल्यू की पावर है वो आपने माइनस करवा दी, तो आंसर क्या आएगा, 6 प्लस 3x 2 माइनस 5 का आंसर क्या आएगा, वैल्यू इज डिफरेंट, साइन डिफरेंट है तो माइनस होगा, पांच में से दो माइनस हुए तो तीन आया, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस था तो माइनस साइन लगा। अब आगे जो है ना वो आगे क्या है, 5y प्लस 1, तीन में से दो पावर माइनस हो गई तो वन रह गई, जो कि हम लिखते नहीं है, अक्सर पावर वन हम लिखते नहीं है। अब देखें इसमें, इस क्वेश्चन में इत्तेफाक से एक चीज आ गई है कि अगर पावर बेस की पावर नेगेटिव आ जाए, आपने इसको पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, आप इस पावर को नॉमिनेटर में, इस पावर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, आपको पता है डिनोमिनेटर में वन होता है, तो ये तो जो पावर पॉजिटिव है ये ऊपर ही रहेगी, जो नेगेटिव पावर है वो नीचे चली जाएगी, 6 प्लस 3x, तो इसकी पावर क्या थी, 3, ऊपर माइनस 3 थी, नीचे आके डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव 3 हो गई। तो ये रूल नंबर 3 था कि अगर बेस सेम हो और पावर जो है ना वो क्या है, डिफरेंट है पावर्स, जो है ना आपने क्या कर देनी है, m माइनस n, यहां पर पावर m थी और डिनोमिनेटर की जो पावर थी वो n थी, तो आपने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर्स को क्या करवा दिया, माइनस करवा दिया, तो इसकी मैंने कोई एग्जांपल करवा दी थी। अब जो फोर्थ लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। अगर फर्ज करो एक बेस है, इस पे पावर m है और इसकी होल पावर n है और उस पे डबल पावर जो है ना आ जाती है p, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपकी जो बेस है वो आपने एक बार लिखी और जो सब पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, m मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय p, सही है। तो ब्रैकेट्स आपने हटा दी, सारी पावर्स को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो एग्जांपल क्या होगी, फॉर एग्जांपल ये कि 5 की पावर अगर मैं 3 करता हूं और उसकी पावर 2 और उसकी पावर जो है ना वो 7 करता हूं, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बेस तो 5 ही रहेगी लेकिन आंसर ये होगा 3 2 6 6 7 42, तो पावर क्या हो गई, 42 हो गई। तो ये जो आपने लॉस पढ़े हैं, इस ये जो लास्ट लॉ था, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, यानी कि पावर पे भी पावर, फिर उस पावर पे भी पावर है, तो सब पावर्स को आपने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो एग्जांपल क्या है, अब आपको चार लॉ पढ़ाए गए हैं, उससे रिलेटेड आगे जो ना ये लॉ इंप्लीमेंट होंगे क्वेश्चंस में, तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल होता है, तो कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप जो है ना वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।